हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एडिशनल मैथ क्लासेस। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेरे प्यार दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 5। आज भी हम इसमें प्यार दोस्तों जैसे हम डेली करते हैं, ठीक है, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हम उन्हीं को सॉल्व करते हैं, सही है, और ट्रिक के साथ करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए मेरे साथ मेरे प्यार दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सही है। और भाई आज भी हम जो है टॉप 10 क्वेश्चन है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष साधारण ब्याज कितना देर का 300 रुपये है। तो उसी धनराशि यानी कि जो पहला आपकी जो भी धनराशि है, धनराशि पर समान दर से, समान दर जो भी मतलब दर थी पहले 6% है, ठीक है, तथा समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI हमको कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आपको फाइंड करना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो पहला आपको जो फर्स्ट कंडीशन में करना क्या है, 6% को वहाँ पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जो परसेंट की वैल्यू होती है आपको डायरेक्ट या जो है प्रॉपर तरीके से लर्न होनी चाहिए, ठीक है ना। 6% 6/100% साइन हटा, नीचे 100 आ जाएगा, 2 3 6, 2 5 10 यानी कि 3/50 आ जाएगा। ये सही है, ये आ जाएगा आपका पी हो गया, ये इंटरेस्ट होता है आपका यहाँ पर ये। अब यहाँ पर ये 1 ईयर का है मेरे दोस्तों, ये है 1 ईयर का SI, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या आपका मूलधन होता है आपका पी। अब देखो यहाँ पर 2 वर्ष का कितना होगा, यहाँ पर ये 1 ईयर का 3 है तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 6 ईयर हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 यूनिट, 1 ईयर का 3 यूनिट है तो 2 वर्ष से कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। अब साधारण ब्याज कितना दे रखा है आपको, ये 300 दे रखा है। यहाँ से 1 यूनिट फाइंड करोगे आप कितना जाएगा, 6 5 जा 30 यानी कि 50 रुपीज़ आ गया यहाँ पर ये यह आपका, सही है। तो यहाँ पर देखो पहले फाइंड करना आपको, यहाँ से पहले पी फाइंड कर लीजिए आप। तो पी जब आप यहाँ से फाइंड करोगे, पी कितना की बने यहाँ पर आपका 50 है, सही है। तो 1 यूनिट कितना आपका 50 है, 50 की 50 से मल्टीप्लाई कराओगे आपका यहाँ पर जाएगा 5 5 25 यानी कि 2500 रुपये आपका जो है ये क्या गया है, मूलधन आ गया है प्रिंसिपल, सही है। अब देखो यहाँ पर इसका CI निकालते हैं हम पहले। अब देखो यहाँ पर ये पी है हमारा 50 है, इंटरेस्ट क्या आपका 3 हो गया, तो ए कितना होगा आपका यहाँ पर, ये ए कितना होगा आपका ऐड हो जाएगा ये, सही है। 50 में 3 तो 53 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट ईयर का जो होगा आपका यहाँ पर ये आपका पी है और यहाँ पर ए है, ठीक है ना। पहले फर्स्ट ट्रिक देख लीजिए इसकी CI फाइंड करने की, मैं उसके बाद सेकंड ट्रिक बताऊँगा, जो भी आपको सही लगे उसी से आप क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही बेस्ट में ट्रिक हैं, ठीक है। तो पी कितना आपका यहाँ पर ही 50 है और यह जाएगा ये आपका हो गया 53 है फर्स्ट ईयर के लिए, और ये सेकेंड ईयर का आ गया आपका यहाँ पर ही, इसी टाइप से होगा 50 से 53, ठीक है। और जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो यह जाएगा 2500 हो जाएगा ये आपका, और जब इसकी मल्टीप्लाई कराओगे आप 53 की 53 से तो आ जाएगा आपका 2809, सही है। अब देखो ए जो है आपका कितना आ गया यहाँ पर, ये 2809 आ गया। पी कितना आपका यहाँ पर, ये 2500 है, सही है। अब जब पी माइनस ए करो, ए माइनस पी करोगे जब आप, यहाँ पर कितना जाएगा आपका इंटरेस्ट जाएगा 9 ऐसे जाएगा 0, 8 5 -3 यानी कि आपका CI जो है यहाँ पर आपका आ चुका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो इसकी सेकेंड ट्री देखिए, देखिए पहले तो सेकेंड ट्रिक देखिए इस क्वेश्चन को, सेकेंड ट्रिक से आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। पी कितना था आपका यहाँ पर, 2500 रुपये आया था, सही है। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट ईयर के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर ये फर्स्ट और सेकेंड ईयर है यहाँ का, ये फर्स्ट ईयर हो गया यहाँ का, उधर हो गया सेकेंड ईयर, सही है। तो यहाँ पर 2500 का पहला आप निकालोगे इंटू 3/50, सेकेंड ईयर का भी इस टाइप से निकाल लेना 2500 का 3/50, सही है। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 5 25 यानी कि जाएगा 150, और सेकेंड ईयर का भी आपका 150 होगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब उसके बाद आपको देखो फिर इसके बाद 150 का आप फाइंड कर लेना 3/50, सही है, और इसे आप ऐड कर लेना फिर। तो यहाँ पर कितना आएगा मेरे प्यार दोस्तों आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये 5 3 15 हो जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा यहाँ आपका। अब 150 150 कितना हो गया आपका, ये 300 हो गया, और प्लस का 9 यानी कि 309 जो होगा आपका ये होगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सही है। तो ये भी बेस्ट ट्रिक है वैसे, ठीक है। तो कोई सी भी ट्रिक्स आप कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बात उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 रुपये है, सही है, और साधारण ब्याज 100 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर और धनराशि याद करो, यानी कि आपको यहाँ पर R और जो है P फाइंड करना आपको यहाँ पर, सही है। तो एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो दे रखा है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 105 रुपये दे रखा है यहाँ पर ये, सही है। और साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ पर ये 100 रुपीज़ है यहाँ पर। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे आप सॉल्व, यहाँ पर लेट कर लो मेरे प्यार दोस्तों, कोई भी जो धनराशि है आपकी यहाँ पर पी है, ठीक है।
उसके बाद देखो जो 105 है इसे आप अब 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो इसे 50-50 में डिवाइड कर लीजिए। पहले 50 हो गया, यहाँ पर ही 50, और रिमेन कितना रहा आपका यहाँ पर 5 रहा, सही है। अब देखो कोई धन राशि थी आपकी जैसे 50 फर्स्ट ईयर के लिए, 50 सेकेंड ईयर के लिए, 50 है, हमने लेट लेट कर रखा है यहाँ पर, सही है। और जो ऐसा ही है आपका यहाँ पर 5 आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पर प्रतिशत दर निकालनी है आपको, तो यहाँ पर कितना आया ये इंक्रीज कितना हुआ 50 से 5 हुआ ना, तो 5 अपॉन कितने पर हुआ ये 50 × 100, सही है। 50 × 100 और 25 या 10% जो होगा यहाँ आपका ये प्रतिशत दर होगा, सही है। और धनराशि पूछ रहा है, धनराशि क्या होगी इसकी, या फिर इस तरह से भी आप समझ सकते हो मेरे पास 50 का आप जब आप 10% निकालोगे तो आपका 5 आ जाएगा यहाँ पर ये, सही है। तो इस टाइप से भी कर सकते हो, या फिर आप 5/50 × 100 करके सॉल्व कर सकते हो। अब देखो इसका पी कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर पी आपने लेट करा था ये, तो पी का 10% इक्वल होगा आपका 50 के, सही है। तो 10 टाइम से ये 10 टाइम्स जाएगा, और 10 जो है डिवाइड में है ये, तो इक्वल मांगा तो क्या हो जाएगा इसके मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500 रुपीज़, यानी कि जो धनराशि आपकी यहाँ पर होगी 500 रुपये होगी, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, ये भी उसी टाइप क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन कराया था, यानी कि सेकंड क्वेश्चन कराया था उसी टाइप का। ये एक निश्चित धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दे रखा है 60.60 रुपीज़ है, और साधारण ब्याज यानी कि SI जो है आपका यहाँ पर है 60 रुपीज़ है, सही है। और जो CI है कंपाउंड इंटरेस्ट आपका यहाँ पर दे रखा है ये 60.60 रुपीज़। तो यहाँ पर आपको P लेट कर लेना आप यहाँ पर ये, ठीक है, मूलधन आपका P है। अब 60.60 है यानी कि आपको 60.60 को आप 2 भागों में डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना, 30 और यहाँ पर भी 30। अब यहाँ पर इंक्रीज कितना हुआ है मेरे प्यार दोस्तों 0.60, सही है, 0.60 हुआ है, कितने से हुआ है 30 पे हुआ है ये इंटू 100। पॉइंट कैंसिल करो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो नीचे 2 डिजिट आ जाएंगे आपको 20 आ जाएंगे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 3 × 2 = 6, यानी कि 2% जो होगा आपका यहाँ पर ये दर आ चुकी है, सही है। अब आपको फाइंड करना है धनराशि, तो पी का 2% जो है किसके इक्वल हो जाएगा ये 30 के, 2 × 2 = 10 हो गया ये, पी जो है आपका डिवाइड में तो इक्वल पहुँचेगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 1500 रुपये जो होगी आपकी यहाँ पर ये धनराशि होगी, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक निश्चित धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर, 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा है आपको 150 रुपीज़ है, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, यानी कि आपको यहाँ पर डिफरेंस फाइंड करना है, सही है, बिटवीन CI एंड SI, ठीक है। तो एक निश्चित धनराशि पर दर दे रखी है आपको 3%, तो जो 3% आपको ये जो दर दे रखी है, सही है, तो इसे पहले आप रेशनल में रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए 3% को, परसेंटेज साइन हटेगा, नीचे कितना जाएगा आपका ये 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जो 3 जो है ये है आपका SI है, और ये है आपका 1 ईयर का है, यहाँ पर ये 1 ईयर का SI है, और यहाँ पर है आपका ये P, सही है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, लैंग्वेज पहले सही करके इसकी रीडिंग करिए, उसके बाद आप थोड़ा उसके बाद जो है स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करते जाइए, सही है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर ये SI जो आपका 3 ईयर्स का है, मतलब 1 ईयर का है 3 यूनिट, और P आपको यहाँ पर 100 यूनिट है, सही है। तो मेरे प्यार दोस्तों एक बात बताओ, जब 1 ईयर का 3 यूनिट है तो 2 ईयर्स का बोला ना इसने, तो 2 ईयर्स का साधारण ब्याज कितने रखा है पर 150 रुपीज़ है, ठीक है ना, तो 6 यूनिट हो जाएगा ना। देखो 3 × 2 = 1 ईयर का 3 है, तो 2 ईयर का कितना हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा, तो 6 यूनिट कितने दे रखा है आपको यहाँ पर 150, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 × 2 = 12 और रिमाइंडा 3 × 6 = 30, यानी कि 1 यूनिट जो है आपका यहाँ पर 25 आ चुका है। और पी यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो, 100 यूनिट है यहाँ पर ये पी, तो 100 यूनिट की जब यूनिट से मल्टीप्लाई कराओगे 100 की 25 से, तो आपका आ जाएगा ये 2500 आ जाएगा, सही है, 2500 आ गया यहाँ पर ये आपका। अब उसके बाद देखो यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था, जब आपका ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात हो, ठीक है ना, यानी कि अंतर जो आपको फाइंड करना हो या फिर प्रिंसिपल फाइंड करना हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, D = होता है आपका PR/100² ये होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 3 वर्ष के लिए अलग होता है, वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर हो गया होगा आपका यहाँ पर ये, तो यहाँ पर ये आपको डिफरेंस पूछ रहा है, और P आपके पास आ चुका है 2500, R कितना आपका यहाँ पर 3, अब हमने ये कन्वर्ट कर लिया था, ठीक है, 3/100, तो आप यहाँ पर 2 टाइम्स लिख सकते हो, 3/100 2 0 से 2 0 2500 का 100 हो गया, यानी कि 9/4 आ चुका है यहाँ पर ये आपका
9 को जब आप इसे सोल्व डिवाइड करोगे 4 से तो यह जाएगा 2.25 रुपीज़। तो यहाँ पर ये आपका जो डिफरेंस है बिटवीन CI एंड SI इज 2.25 रुपीज़। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक निश्चित धनराशि पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये है तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। ये मैंने जो क्वेश्चन अभी कराया था आपको 4 क्वेश्चन, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, सही है। तो आपको फर्स्ट स्टेप में करना क्या है, यहाँ पर 7% जो है इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, 7/ आपका आ जाएगा ये 100। तो यहाँ पर जो ऐसा ये आपका, ये है आपका फर्स्ट ईयर का, यानी कि पहले साल का ये 100 जो आपका ये पी हो गया, सही है। या फिर आप इस तरह से कन्फ्यूज होते हो तो देखो ऐसा ही जो है, इस तरह से आप जब रेशियो से हम कोई सी भी डिजिट जो है मतलब अलग करते हैं, ठीक है, सेपरेट करते हैं, तो हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, जैसे एक्स ले लो वाई जेड। तो यहाँ पर हम यूनिट ले लिया 7 यूनिट, पी जो है यहाँ पर ये आपका 100 यूनिट है। देखो यहाँ पर ये 1 ईयर का जो था आपका ऐसा ही यहाँ पर 7 यूनिट है, ठीक है। तो 2 ईयर से कितना हो जाएगा आपका ये 14 यूनिट हो जाएगा। ये किसके ऊपर हो जाएगा आपका, साधारण ब्याज कितने दे रखा है 200, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट जब फाइंड करोगे आप तो यह आ जाएगा आपका 200/14, या फिर आप इसे 2 से डिवाइड कर सकते हो, 2 1 100 हो जाएगा, 2 7 14, यानी कि 100/7 जो है आपका ये 1 यूनिट आ गया है। अब देखो जब यहाँ पर आप ऐसा ही तो आ गया आपका 100/7 आ गया, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 100/7 है। जब पी फाइंड करोगे तो पी में जो है आप जो है 100 की जो है 100/7 से मल्टीप्लाई करा देना, तो ये हो जाएगा आपका 1 के बाद कितना जाएगा ये, यानी कि 10,000/7 आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी टाइप से आप इसे कर सकते हो। तो डी इक्वल टू होता है आपका पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सही है। डिफरेंस पूछ रहा है ना यहाँ पर, तो डी इक्वल टू पी कितना आ गया आपका 10,000/7 इंटू, अब आपने कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करा था आपने 7% को, तो आप यहाँ पर ले सकते हो 2 × 7/100 इंटू 7/100, ठीक है ना। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, यानी कि 4 जो आपके नोमिनेटर में 0, 4 जो आपके डिनोमिनेटर में कैंसिल होगी 7 7, यानी कि जो डिफरेंस आया आपका यहाँ पर ये 7 रुपीज़ आया है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन जो है सही से समझ आ गया होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने आ चुका है, एक निश्चित धनराशि पर 5% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो है 12.20 रुपीज़ है तो वह धनराशि ज्ञात करें, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन किस टाइप से करोगे आप, यहाँ पर देखो ये एक चीज़ ध्यान रखना, आपको जो है यहाँ पर आर गिवन है आपको दर, ठीक है, टाइम आपको 3 ईयर्स है और डिफरेंस आपको दे रखा है ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है कितना 12.20 रुपीज़ है, तो धनराशि ज्ञात करनी है, यानी कि आपको पी फाइंड करना है यहाँ पर आपको, सही है। तो देखो किस टाइप से करोगे, मैंने 2 ईयर्स का आपको बताया था जब ब्याज का अंतर दे रखा हो, यानी कि SI हो CI का अंतर हो आपको, तो 2 ईयर्स का मैं बता चुका हूँ आपको इस तरह सॉल्व करना। अब देखो 3 ईयर्स का देखो इसका, तो डिफरेंस जो होता है इक्वल टू होता है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये तो 2 ईयर्स का यहाँ तक है। अब देखो 3 ईयर्स के लिए हो जाएगा आपका 300 प्लस के आर अपॉन 100, सही है, ये होगा इसका, ये 3 ईयर्स के लिए आपको यूज करना है इसका फॉर्मूले का, सही है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपको करना है 3 ईयर्स के लिए यूज, जब आपको क्वेश्चन में जो है 3 ईयर्स ये बनो, सही है। अब देखो पी आपको फाइंड करना है, डिफरेंस आपके पास कितना है 12.20 इक्वल टू पी जो है आपको धनराशि फाइंड करनी है आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, आर कितना आपका 5% है, तो आप इसे रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। जहाँ जब आप 5% को रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आपका जाएगा 5/100, यानी कि 5 × 5 1/20 हो जाएगा ये आपका, ये आपको जो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी जो है प्रॉपर तरीके से लर्न होने चाहिए, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद करो, अब 300 देखो आप इसे कन्वर्ट कर लेना, 3 + 100 भी ले सकते हो, ठीक है, ये 300 में जाएगा 100 और प्लस के 100 0 0 1 होंगे, यानी कि 3 + 3 + 100 आगा, यानी कि ठीक है ना। तो आर परसेंट की मैंने जो अभी कन्वर्ट करा था 5% को यहाँ पर लिख सकता हूँ 1/20, सही है, 12.20, या फिर आप परसेंट में यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते हो तो उससे लेंथ हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर आप जल्दी से कर सकते हो क्वेश्चन को सोल्व, 1 1 1/ कितना हो जाएगा 400 × 20 से 60, ठीक है, और एक कितना हो जाएगा 61/20 हो जाएगा, ये पॉइंट कैंसिल करोगे, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है आपकी 2 डिजिट है, यानी कि 2 0 हो जाएंगे, 0 से 2 0 कैंसिल हो गए आपके यहाँ पर, ये यहाँ पर आपका जाएगा 2 टाइम्स जाएगा। अब जो रिमाइंडर है आपका यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करा लीजिए, 4 2 8 8 2 16 कितना हो जाएगा ये आपका 16 और 2 0 आ जाएंगे 1600, ठीक है ना, 1600 रुपये जो आपका ये क्या होगी धनराशि होगी।
तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों, जो भी पहले आपको डिफरेंस दे रखा हो, टू इयर्स के लिए आपको मैंने बता चुका हूँ लास्ट क्वेश्चन में, ठीक है, और थ्री इयर्स के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, या फिर आप इसके जगह क्या यूज कर सकते हो, देखो इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, उसे यहाँ पर आ जाएगा डी इक्वल टू पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सही है, 1 प्लस के आर अपॉन 100 यानी कि 3 प्लस का, सॉरी यहाँ पर 3 आ गया ये, और ये आपका स्क्वायर है यहाँ पर, ये 3 प्लस के आर अपॉन 100, तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, दोनों का मीन्स एक ही है, सही है, इसका भी यूज कर सकते हो आप, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए पा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक निश्चित धनराशि पर 4% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा 3.04 रुपीज़ है, तो वह धनराशि ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखो आपको फर्स्ट कंडीशन में करना क्या, जो आपको प्रतिशत दे दे रही है, आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, 4 1 4 4 2 8 4 5 20 यानी कि 1/25, ठीक है, 1/25 क्या होगा आपका, यहाँ पर ये फ्रैक्शन होगी वैल्यू सी 4% की, सही है। अब देखिए आप करना क्या आपको यहाँ पर, ये और डिफेंस दे रखा आपको यानी कि साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा आपको 3.04, ठीक है ना, तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर होता है आपका, 3 प्लस के आर अपॉन 100 लिख सकते हो, या फिर आर परसेंट लिख सकते हो आप यहाँ पर, सही है। तो डी इक्वल टू कितना होगा आपका, डिफरेंस दे रखा आपको यहाँ पर, ये डिफरेंस है और ये आपका आर आ चुका है, और ये आपका टाइम है यानी कि 3 ईयर्स के लिए यूज करना आपको ये अलग फॉर्मूला, सही है। तो डी इक्वल टू आपका 3.04 है, इक्वल टू पी आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर देखो 2 टाइम्स लिखना आपको आर अपॉन 100 की, आपने वैल्यू क्या बनाई लिखी यहाँ पर, फ्रैक्शन वैल्यू आ गई आपकी, यानी कि 1/25 को लिखना आपको 2 टाइम्स, सही है, इंटू 3 प्लस के आर अपॉन कितना जाएगा 1/25, क्योंकि मैंने ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है, या फिर आप इसे आर परसेंट को लिख सकते हो ना, 1/25 आ जाएगा यहाँ आपका, तो पॉइंट जब कैंसिल करोगे यहाँ से आप, तो 20 आपके जो है आपके यहाँ पर आ जाएंगे डिनोमिनेटर में, आपका 100 आ चुका है, इक्वल में पी इंटू ये जाएगा आपका 1/1 6/25 हो जाएगा, 25 25 से 25 या 75 यानी कि 76/25 हो जाएगा यहाँ पर, 2500 का 100 हो जाएगा यहाँ 76 में प्यार दोस्तों, यहाँ आपका 4 टाइम्स जाएगा, सही है। और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, देखो 4 2 8 4 5 20 25 25 में 625 होता है, यानी कि पी जो है आपका यहाँ पर कितना आ चुका है यहाँ पर, ये देखिए प्यार दोस्तों, ये सोल्व कैसे करा है पहले आप इस तरह से देख लीजिए पहले, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर 4 टाइम जो है इसे कैंसिल हो जाएगा, 76 से 4 टाइम्स हो गया ये, फिर ये उसके बाद करा ये 4 2 8 4 5 20, ठीक है, 4 को 100 से डिवाइड कर दे 25 आ गया, 25 से ये 25 आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है, तो आपका जो रिमेन रहा यहाँ पर ये 625 रहेगा ये, ठीक है ना, सॉरी यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया था, तो पी इक्वल टू कितना रिमेन रहा आपका यहाँ पर, यानी कि 625 रुपये जो होगी आपकी यहाँ पर धनराशि होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, जो मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराया था, ये आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है, यानी कि डी इक्वल टू आपका पी जो आपको यहाँ पर डिफरेंस दे रखा आपको ये 3.04, सही है, और इक्वल में आपका पी जो है फाइंड करना है, आर अपॉन 100 आपको आर जो कितना है 4% है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो आप यहाँ पर, तो 4/100 × 4/100, सही है, और जब आप यहाँ पर वैल्यू लिखोगे आर की, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 304 कितना जाएगा 100, जब आप यहाँ से पॉइंट कैंसिल करोगे, पॉइंट वाइज देंगे आपके 2 डिजिट यानी कि 2 0 हो जाएंगे, 100 से आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, सही है। उसके बाद देखो करना क्या आपको, ये 304 से 304 कैंसिल हो गया आपका, सही है। अब यहाँ पर देखो आप इससे 4 से कैंसिल कर सकते हो आप, 4 2 8 4 5 20 4 2 8 4 5 20 यानी कि पी इक्वल जो होगा आपका ये आ जाएगा 25 25 से 625 रुपीज़, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर सकते हो, सही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो भी आपको क्वेश्चन फर्स्ट मेथड अच्छा लगता है उससे कर लीजिए, सेकंड मेथड से कर लीजिए, वैसे तो फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करके जो है सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आप उस नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका, 10,000 रुपये की धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो, ठीक है ना, यहाँ पर भी आपको डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि डी इक्वल टू जो था यहाँ पर 3 ईयर्स है, और यहाँ पर आपको ये पी दे रखा है, आर जो आपके यहाँ पर ये आर जो है 3% है यहाँ पर ये, सही है। तो डी इक्वल टू क्या होता है आपका, पी होता है आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये काफ़ी टाइम में लिखवा चुका हूँ, और ये 300 प्लस के आर अपॉन 100, सही है। उसके बाद आपको देखो ये डिफरेंस जो है फाइंड करना है, पी आपका यहाँ पर 10,000 है, इंटू आ जाएगा आपका आर अपॉन आर कितने का 3%, यानी कि 2 टाइम्स आप 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा आपको, अपॉन में आ जाएगा ये 10 का 2 टाइम्स लिख लीजिए, 100 को 10,000 आ गया इंटू 300, तो ये था वो 3% आ जाएगा, यानी कि 303 हो जाएगा ये आपका, अपॉन में 100 आ जाएगा, सही है। 1 2 3 4 से ये 0 कैंसिल हो गए आपके,
3 and 3 में आप 9 से मल्टीप्लाई करा लीजिए, 9 3 जाओ का 27 के 7, 0 आप कैरी हुआ आपका 2, 900 2 आ गया, 9 3 जाए 27, तो 27 ये आ जाएगा 27 अपॉन 100 आ गया है। अब पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, राइट से आप 2 डिजिट जो है काउंट कर लीजिए, यानी कि 27.27 रुपीज़ जो आपका ये डिफरेंस होगा यहाँ पर ये आपका, सही है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर होगा, सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने चुका है, एक निश्चित धनराशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7,520 रुपये हो जाती है। पहले यहाँ पे देखो सॉल्व कर लीजिए, 15 वर्ष में कितनी हो रही है यहाँ पर, ये 15 वर्ष में हो रही है आपकी ये 7,520 रुपये, सही है। 16 वर्षों में हो रही है आपकी, देखो 16 वर्षों में हो रही है ये 7,896 यानी कि 7,896 रुपये। तो वार्षिक ब्याज की दर याद करनी है। अब यहाँ पर आप डिफरेंस जब फाइंड करोगे वन ईयर का, तो कितना जाएगी यहाँ पर, 15 वर्ष की आपकी 7,520 है और 16 वर्ष की आपकी 7,896 रुपये, ठीक है ना। वन ईयर कितनी जाएगी यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर माइनस कर लीजिए ये 7,896 से 7,520, तो 6 आ जाएगा ये, 9 में से 2 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है, और 8 में से 5 माइनस करोगे तो आपका यहाँ पर ही आ जाएगा 3, यानी कि 376 आ गया। किस पर आया ये, 7520 पर ग्रोथ हो ना, इसी से तो ग्रोथ हो आपकी ये, इंटू 100 आ जाएगा ये आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर ये। उसके बाद देखो आपको करना क्या है, ये 3 2 जा, देखो कितने टाइम्स होगा ये कैंसिल हो जाएगा ये आपका, देखो ये 376 से 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है, 2 5 जा 10 हो गया, यानी कि 5% जो होगी आपके यहाँ पर ये दर होगी, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहले 15 वर्ष का लिख लीजिए वैल्यू, आप 16 वर्ष की लिख लीजिए जो भी आपको राशि हो, ठीक है, उसके बाद आप डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो 376 आ गया, अब फर्स्ट वाली सी तो ये ग्रोथ ही इतनी हुई है, तो यहाँ पे 7520 आपका अपॉन में जाएगा इंटू 100, ठीक है। उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आपका जो है दर आ जाएगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आना चुका है, वह धनराशि ज्ञात करें जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये हो जाती है और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो देखो किस टाइप से होगा प्यार दोस्तों क्वेश्चन, ये आपको यहाँ पर पे 100 सेलेक्ट कर लेना, ये फर्स्ट ईयर के लिए, और सेकंड ईयर की वैल्यू आपको दी गिवन है 650 है फर्स्ट ईयर की, और सेकंड ईयर की यहाँ पे 676, डिफरेंस कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर, ये 6 आ जाएगा, 7 में से 5 माइनस करोगे तो 2 आ जाएगा 26, ग्रोथ किस पर, ये 650 पर, प्रतिशत दर निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराओगे यहाँ पर ये, ठीक है। यहाँ पर देखो सॉल्व कर लीजिए आप इसे, जब सॉल्व करोगे इसे कितना जाएगा आपका, ये 13 से कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ पर 13 2 26, 13 5 65, 50 2 100 हो गया, 2 2 4% आ गया यहाँ पर यहाँ पर, सही है। अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, धनराशि याद करनी है आपको यहाँ पर, ये धनराशि कितनी थी आपकी, 100 थी, तो 100 में आपको क्या ऐड हो जाएगा, ये 4%, ठीक है, यानी कि 104% जो आपको ये किसी को हो जाएगा 650 के हो जाएगा, यहाँ से 1% आप फाइन कर लीजिए, 650 अपन में जाएगा 104, और आपने जो लेट करी थी, यानी कि देखो जो आपने लेट करी है राशि कितनी लेट करी थी 100, तो 100% जब इसका निकालोगे तो 650 अपॉन 104 गुणा 100 आ जाएगा आपका ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखो किस तरह सॉल्व करोगे आप यहाँ पर, ये 13 8 104 होता है, 13 5 63, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर लेना, 4 2 8, 4 2 4 5 20, 2 2 4 2 5 10, यानी कि 25 और 25 की मल्टीप्लाई कराओगे आपका जाएगा 625 रुपये आ जाएगा, 625 रुपये जो है आपके यहाँ पर ये पी आ चुका है, सही है। तो जब इस टाइप क्वेश्चन हो मेरे प्यार दोस्तों, तो वहाँ पर इस तरह से करना है, ठीक है, धनराशि आपको फाइंड करनी होगी और वहाँ पर आपको जो है दर पहले आपको फाइंड करनी है, उसके बाद जो आपको जो लेट कराता है 100 में जो है दर ऐड कर लेना 104%, उसके बाद जो है आपको जो फर्स्ट ईयर की राशि दी थी उसके इक्वल कर लेना आप, ठीक है, 650 के 1% निकालना, फिर 100% निकाल लेना, आपकी राशि आ जाएगी ये, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यार दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।